I think the customer are ready to pay more to get a right experience. हमारे पास जो मार्केट से अराउंड 45% मार्केट शेयर है, कंपेयर टू प्राइस में ये बोलूंगा कि क्वालिटी है वो 200% अच्छी और सबसे अच्छी क्वालिटी हमने यूथेशिया की देखी। मैं अहमदाबाद में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तभी कुछ काम के लिए मैं वीएस हॉस्पिटल गया, तो तभी सभी जो रेसिडेंट डॉक्टर्स थे ये सभी लोग ये स्क्रू प्लेट्स वगैरह अच्छी तरह से बॉक्स और क्लॉथ में अरेंज कर रहे थे। तभी मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट यूज होती है मेडिकल फील्ड में। इफ आई एम एन प्लास्टिक इंजीनियर और मैं सिरिंज बनाऊँ और अगर उसका यूज मेडिकल फील्ड में होता है तो मैं मेरे फील्ड की ही प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज की ही, मेरे एजुकेशन की बेस की ही प्रोडक्ट में जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो यूज़ मेडिकल फील्ड में हो रही है। इस तरह से मैंने सोचा, मेरा तभी लास्ट ईयर चालू था इंजीनियरिंग का, कि मुझे ये बिजनेस करना है। और आज हमारी राजकोट में हेड ऑफिस है और जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ में ब्रांच ऑफिस है, सभी जगह पर एम्प्लॉई है। और हम ऑर्थोपेडिक की जो कंप्लीट रेंज है, ट्रोमा, जॉइंट, आर्थ्रोस्कोपी और स्पाइन, इंडियन और इम्पोर्टेड, इम्प्लांट और इक्विपमेंट, ये पूरा कवर करते हैं और पूरे एरिया में कवर करते हैं। तो इस तरह से ये बिजनेस चालू हुआ। हमने दो चीजें की है, एक तो कोई भी कंपनी के सक्सेस में जो फाउंडेशन है वो उसके एम्प्लॉय होते हैं। वर्क का डुप्लीकेशन या आप जो चाहते हैं वो तभी तीन चीजों से होता है। एक, आपको नहीं आपकी टीम को मालूम होना चाहिए कि आपका विजन क्या है। अगर मुझे अकेले को ही मालूम है कि लास्ट ईयर मेरा 15 सीआर का टर्नओवर हुआ है और नेक्स्ट ईयर मुझे 20 सीआर का करना है तो वो कभी नहीं होगा। अगर मेरी पूरी टीम को मालूम है कि हमको 15 करोड़ से 20 करोड़ तक पहुंचना है तो ही ये हो सकता है, नंबर वन। नंबर दो, एम्प्लॉय के लिए, कोई भी एम्प्लॉय के लिए सैलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उसका एनवायरमेंट। तो हमने ऑफिस पहले ये डिज़ाइन करके बनाई है कि हर एक आदमी को उसकी सीट मिले, हर एक आदमी को उसके अटेंडेंट की सीट मिले, हर एक आदमी को म्यूजिक मिले, हर एक आदमी को कंप्यूटर मिले, हर एक आदमी को वाईफाई मिले, मुझे अकेले को नहीं, क्योंकि फाउंडेशन वही है सक्सेस। तो एक तो वो लोगों को ऐसा माहौल दिया, इक्विपमेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो कंट्री के, जो कंपनी के मशीन्स है, जो क्लीनलीनेस है, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं कोई इंडिया में कोई कंपनी देख रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी मैं कोई जर्मनी में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की विजिट कर रहा हूँ ऐसा। और एम्प्लॉय का नॉलेज, आपका पूरा सेटअप और एक जो फ्लो होता है, एक जगह से रॉ मटेरियल आए और एक जगह से फिनिश होके जाए, और उसमें भी जो हमारे मेडिकल के जो नॉर्म्स हैं, जो हमको पार्टीशन, जो हमको आइसोलेशन रखना है, वो पूरी तरीके से आपने 200% होमेज किया है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, आप कोई फेल्स प्रॉमिस नहीं कर रहे हो। आई थिंक द कस्टमर आर रेडी टू पे मोर टू गेट ए राइट एक्सपीरियंस। काफी बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर प्राइस की वजह से या कोई एक्टिविटी कोई कंपनी कर रही है और हम नहीं कर रहे हैं उसके लिए पीआर एक्टिविटी, तो वो मूव होता है। लेकिन ये जो दो तीन चीजें मैंने बोली, सर्विस, फेल्स प्रॉमिस, ये चीजों की वजह से वो एक्सपीरियंस लेता है एक बार, लेकिन फिर से आ जाता है। हमारे पास जो मार्केट से अराउंड 45% मार्केट शेयर है आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट और ट्रोमा में हमारे एरिया का, जो 55% नहीं है उसमें से 30% ऐसा है जिसको हम कैटर ही नहीं करना चाहते। हाँ, 25% ऐसा मार्केट है जो हमें चाहिए, नहीं मिल रहा है और उसके लिए हम स्ट्रगल, हम हार्डशिप कर रहे हैं, ये वो हमारे नॉर्म्स में ही नहीं आते तो हम उसके लिए मेहनत नहीं करते। नंबर वन, एक तो आपको एम्प्लॉय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नंबर दो, आपको आपके सेक्टर के सभी वर्टिकल को कैटर करना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं हम टेंडर में नहीं सप्लाई करते, कोई बोलते हैं माँ कार्ड योजना में नहीं, कोई बोलते हैं कॉरपोरेट वाले 90 डेज में पेमेंट करते हैं हम उसको नहीं दे रहे, कोई बोलते हैं ये कस्टमर की डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ लोग बेचने पड़ते हम नहीं करते। तो हमको हमारे, अगर सचिन तेंदुलकर 2000 सीआर का ओनर है वो भी अगर लोन में जंप लगा था क्योंकि उसके बिजनेस रिलेटेड है,
उसके अर्निंग रिलेटेड है, तो हमको तो हमारे बिजनेस का जो कोई रिस्क है वो लेना चाहिए। किसी के पास फाउंड्री है, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो 1500 डिग्री टेम्परेचर वाले लिक्विड मेटल के पास से एक बार दिन में पास होने ही वाला है, तो हमको हमारे बिजनेस के सभी रिस्क लेने चाहिए। सेकेंडली कि आपको जैसे मैंने बोला कि एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करना चाहिए, और एम्प्लॉय को जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें एक तो अथॉरिटी देनी चाहिए और एक्सक्लूसिविटी देनी चाहिए। अगर आपका आदमी चाय लेने जा रहा है वही फिर सर्जरी कराने जाएगा तो उसके पास क्या कॉन्फिडेंस होगा? उसके पास एक एमएस ऑर्थोपेडिक से बात करने की या उससे रेपो क्रिएट करने की या उसको आसिस करने की, एक लेवल से तो वो डाउन ही हो जाएगा। तो अगर आप डिवाइड कर देते हैं ड्यूटी स्पेसिफिक, आप उसको एक पोर्टफोलियो दे देते हैं, अभी मार्केटिंग वाला बंदा है जो है वो ठीक है, मार्केटिंग और पेमेंट वो उतना ही ले वही अच्छा है, सर्जरी वाले है वो सर्जरी करे, इक्विपमेंट वाले इक्विपमेंट ही करे, अगर आप उसको सभी चीज़ें दे देंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा कि अगर आप टाइम जो है आपका, हर एक आदमी की एक लिमिट होती है कि वो 8-10 घंटे से ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता, बराबर है, तो उसमें से आप स्प्लिट कराओ कि ये टाइम आपको आपको अपडेट होना है, नॉलेज लेना है, चाहे आप कैटलॉग में से लो, चाहे सीनियर से लो, चाहे आप इंटरनेट पे से लो, फिर 2-3 घंटा अगर मार्केटिंग वाला बंदा है तो उसको यही टाइम में डॉक्टरों को मिलने जाना है, बराबर, उसका पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम चाहिए, फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आप वो नहीं देंगे तो वो उसकी इफेक्ट, वो रिफ्लेक्ट होगी उसके परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आप टाइम फ्रेम भी डिवाइड करते हो, पोर्टफोलियो भी डिवाइड करते हो, तो ये जो आप मैसी सिचुएशन बोल रहे हैं वो कभी नहीं होगी, ओनर के लिए भी नहीं, एम्प्लॉय के लिए भी। हमारा पहले से एक हमने पॉलिसी बनाई थी कि कोई भी एक प्रोडक्ट लाइन में हम 2 कंपनियों का वर्क नहीं करेंगे। जैसे हम स्ट्राइकर के जॉइंट्स करते हैं तो जिमर का सिर्फ ट्रोमा करते हैं, उसके जॉइंट्स नहीं कर रहे हैं। आर्थ्रोस्कोपी इंपोर्टेड में स्ट्राइकर कर रहे हैं तो कोई और कोई कंपनी नहीं कर रहे, ऐसे इंडियन में हम बायोटेक कर रहे हैं तो और कोई कंपनी नहीं कर रही। आपके साथ कॉन्टेक्ट हुए, आपकी प्रोडक्ट देखी, प्राइस भी अच्छी है, कंपेयर टू प्राइस में ये बोलूँगा कि क्वालिटी है वो 200% अच्छी है एज पर प्राइस। और इंडियन कंपनी का जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे अच्छा सर्विस, सबसे अच्छा लॉजिस्टिक और सबसे अच्छी क्वालिटी हमने यूथेशिया की।